है, द डिफरेंस ऑफ असेट। सो अभी जो आगे का टॉपिक हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं वो है इंटरवल्स। ओके, दिस इज एंटायरली अ न्यू टॉपिक, ये आपने कभी पहले पढ़ा नहीं होगा इसके बारे में, तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेम ऑफ द टॉपिक इज इंटरवल्स। ओके, जो पिक्चर में होता है वो इंटरवल नहीं है, ये दिस इज एंटायरली अ न्यू थिंग। प्लीज कॉन्सेंट्रेट एंड लिसन केयरफुली, व्हाट डू यू मीन बाय एन इंटरवल। ओके, ये आपने देखा है, बहुत बार देखा है आपने, ये टेंथ में आपने कहीं ना कहीं इसको देखा होगा, बट समझ में नहीं आता वो तब उस टाइम पे। अब उसको हम लोग क्लियरली एक बार अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर मैं बोलता हूं अ नंबर लाइज इन द रेंज फ्रॉम 0 या फिर लाइज इन द रेंज फ्रॉम 20 to 30। अगर मैं बोलता हूँ एक ऐसा नंबर जो लाइक करता है 20 और 30 के बीच में, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, मैंने क्या बोला 20 और 30 के बीच में, तो 20 और 30 के बीच में अगर इसको मैं लिखूंगा तो कहने ऐसे, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेट द नंबर बी एक्स लिखता हूँ। ठीक है, अब वो जो नंबर है वो 20 और 30, मतलब 20 से बड़ा होना चाहिए और 30 से छोटा, तो कैन आई राइट इट इन दिस वे। उसका मीनिंग होता है क्या, देखो, अ नंबर ग्रेटर देन 20 लेस देन 30, इज दिस अ वे टू राइट, यस और नो, यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स। ये हो तो ये हो सकता है तरीका। हाँ, तो मैंने क्या किया, रेंज बताया, बरोबर है ना, ये जो नंबर है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिल सकता है, करेक्ट। तो इसी को इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरवल के अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं पहले हम लोग वो समझते हैं। ठीक है, देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंटरवल। इंटरवल के चार अलग अलग तरीके होते हैं। अगर मैं बोलता हूं, देखो, अ नंबर एक ही स्टेटमेंट को चार बार लिखूंगा, मीनिंग समझने की कोशिश करता, अ नंबर ग्रेटर देन 20 बट लेस देन 30। ओके, सिर्फ छोटे छोटे डिफरेंस करूंगा लिखने में, तो उसे मीनिंग देखो कैसा चेंज हो जाता है। ये पहला स्टेटमेंट था, अब दूसरा, अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 बट लेस देन 30। तीसरा स्टेटमेंट लिखूंगा, अ नंबर ग्रेटर देन 20 बट लेस देन और इक्वल टू 30। ओके, यहां तक खत्म नहीं होगा, और एक चौथा स्टेटमेंट आ रहा है, अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 एंड लेस देन और इक्वल टू 30। देखो है वो 20-30 के बीच में, सिर्फ फर्क क्या है आपके सामने क्लियर, उसका मीनिंग स्टेटमेंट समझ के बताता हूँ। ठीक है, अ नंबर ग्रेटर देन 20 लेस देन 30, मतलब ऐसा नंबर जो 20 से बड़ा होना चाहिए 30 से छोटा होना चाहिए, तो थोड़ा दिमाग पे जोर लगा के बताओ, अगर मैं बोलता हूँ नंबर 20 से बड़ा और 30 से छोटा, तो क्या 20 और 30 उसमें मैं पकड़ूंगा, यस और नो? नो सर। इफ आई टेल, प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स, बिकॉज इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस। ओके, आई एम सॉरी टू से दिस, बट चैट बॉक्स में कमेंट कर दो, ज्यादा बेटर। अगर मैं बोलता हूँ एक नंबर 20 से बड़ा है और 30 से छोटा है, तो क्या मैं 20 और 30 को गिनूंगा, यस और नो? शुड आई कंसिडर 20 और 30? नो। तो मैं इसकी रेंज ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी रेंज जो है वो, या इसका इंटरवल जो ऐसे लिखा जाएगा, मान के चलते वो नंबर x है, वो नंबर 20 से बड़ा होगा और 30 से छोटा होगा। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस, यस और नो? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब अगला स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं, क्या बोला है, अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 बट लेस देन 30, मतलब एक नंबर जो 20 या 20 से बड़ा है और 30 से छोटा, तो कैन आई इंक्लूड 20 ओवर हियर? क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 20 आएगा? कमेंट इन द चैट बॉक्स।
सो क्या ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है वो सही है या गलत है? जस्ट टेल मी, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नो? मतलब 20 आएगा 30 नहीं आएगा, डू यू अग्री विथ मी यस और नो? डू यू अग्री विथ मी यस और नो? 20 आएगा 30 नहीं आएगा, यस? अब इसके नीचे का, अब इसके नीचे का देखते हैं। अ नंबर ग्रेटर देन 20, 20 से बड़ा बट लेस देन और इक्वल टू 30, मतलब हमारा नंबर 20 से बड़ा होना चाहिए और 30 या 30 से छोटा होना चाहिए। तो कैन आई राइट इट इन दिस वे, अ नंबर x 20 से बड़ा, 30 या 30 से छोटा, कैन आई राइट इट इन दिस वे, यस और नो? यस और नो? ओके ओके। एंड लास्ट वन, लास्ट एंड द फाइनल वन, लास्ट एंड द फाइनल वन, इसमें अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, 20 या 20 से ज्यादा, 30 या 30 से कम। तो कैन आई राइट इट अ नंबर 20 और मोर देन 20 और 30 और लेस देन 30, यस? तो देखो एक ही तरीका, मतलब नंबर्स वही है, सिर्फ उनको लिखने के मैंने चार अलग अलग तरीके बता दिए, करेक्ट? तो इन्हीं को बोला जाता है इंटरवल्स, ठीक है? ऑल दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? इंटरवल्स। तो देर आर सर्टन स्पेसिफिक नेम्स विच आर गिवन टू इंटरवल, इंटरवल को कुछ स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं, ठीक है? तो इंटरवल के नाम कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ओके? हाउ द नेम्स आर गिवन इन द इंटरवल। अभी यहाँ पे जैसे 20 और 30 पकड़ा था, बरोबर है? तो अभी मैं 20 30 नहीं पकड़ूंगा, अभी मैं जनरल स्टेटमेंट लिखूंगा, लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी, लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी। तो पहला अगर मैं लिखना चाहूंगा, पहले तरह के इंटरवल को बोला जाता है, फर्स्ट टाइप के इंटरवल को बोला जाता है ओपन इंटरवल, ओके? ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूं, ओके? इफ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स, आर एनी टू रियल नंबर्स such that a number x, such that a number x lies between a and b as, मतलब वो जो नंबर है वो इस तरह से अगर lie करता है, then interval is written as, then interval is written as, open interval के लिए लिखा जाता है a comma b, okay? Round brackets में लिखा जाता है a comma b, तो जब भी round brackets आएगा समझ जाना वो interval में a और b को count नहीं किया जाएगा, समझ में आ गया? The in that interval a and will be, b will not be counted. Is it clear to everyone? Just a minute. Who has a doubt? Palak, you have a doubt? What doubt did you encounter in this? Please tell me, I can clear out your doubt. Yes, Palak? Aapko koi doubt hai? You can unmute yourself and ask your doubt. Sir, can you explain me the third and the fourth one? This one, ye third or fourth? Yes, sir. Ab kya bola hai, dekho. A number greater than 20. Number 20 se bada aur 30 se, 30 या 30 से छोटा, इसका मतलब क्या होगा? मैं 20 को नहीं पकड़ूंगा, 30 पकड़ूंगा कि नहीं पकड़ूंगा? यस और नो? स्टेटमेंट समझो, 20 से बड़ा होना चाहिए और 30 या 30 से छोटा, तो 30 होगा तो चलेगा ना, यस और नो? तो इसीलिए यहाँ पे कौन सी साइन डाली है मैंने, ये जो होता है ना इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू बोला जाता है, समझ में आया तुमको? और चौथे वाले में क्या था, चौथे वाले में क्या था? अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, 20 या 20 से बड़ा और 30 या 30 से छोटा, तो मतलब नंबर 20 और 30 को इक्वल हो सकता है, इसलिए मैंने वहां पे क्या लिखा है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लिखा है। इज इट क्लियर टू यू सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर? मेरे को घाई नहीं है, आपको भी समझा है क्या? यस और नो? यस सर। ओके चलो, तो ओपन इंटरवल समझा, ओपन इंटरवल समझा तुमको? अगर मैं बोलता yes, हूँ कि अभी अभी सबके लिए बता दो, हाँ यस, अभी अगर ओपन इंटरवल चाहिए ना, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, जैसे ये देखो फर्स्ट वाला बोला था ना, अगर दो नंबर है, अभी मैं 20 30 नहीं लेता हूँ, ओपन इंटरवल का मतलब होता है
इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स. ओपन इंटरवल का मीनिंग होता है जो फर्स्ट एंड लास्ट लिमिट होती है ना, जैसे यहाँ पे 20 और 30 था, वो पकड़ा जाएगा क्या? वो पकड़ा जाएगा नहीं. इसका मीनिंग होता है, ओपन इंटरवल का मतलब होता है नंबर ए से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए. तो ए और बी गिना जाएगा कि गिना जाएगा? जस्ट टेल मी दैट. अगर मैं बोलता हूँ एक नंबर, हाँ, तो फिर उसको बोला जाता है ओपन इंटरवल. मतलब ये जो एंड होता है ना तुम्हारे, एंड मतलब कौन सी शुरुआत, कहाँ से हो रही है तुम्हारी? ए से. ओके, और खत्म कहाँ पे हो रहा है? बी. क्या ए और बी पकड़ा जाता है? यस और नो? यस और नो? ओके, समझा? अभी उसके बाद मैं बताता हूँ तुमको, सेकंड वाला बताता हूँ. सेकंड वाला देखो, अभी जो सेकंड टाइप होता है दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड इंटरवल. दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड इंटरवल. क्लोज्ड इंटरवल कैसे लिखते हैं? इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, टू रियल नंबर्स, such that a and b are two numbers such that a number x satisfies, मतलब a किसमें, x किसमें लाइक करता है? वो a या a से बड़ा होना चाहिए और b या b से छोटा होना चाहिए. अगर ऐसी इंटरवल आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सी इंटरवल, उसको हम लोग कौन सी इंटरवल बोलते हैं? हम लोग क्लोज्ड इंटरवल. देयरफॉर Closed interval is written as, closed interval को लिखते हैं a comma b. Okay, I'll give you sufficient time to write. Please let me explain this. मैं आपको लिखने के लिए time दूंगा, don't worry. Okay, तो closed interval को देखो, open interval, तो एक hint बताता हूँ आपको यहाँ पे. अभी एक hint बताता हूँ, जहां पे भी ये वाला sign आएगा ना, जहाँ पे भी सिर्फ ये वाला साइन आएगा तो वहां पे कौन सा ब्रैकेट आता है? राउंड ब्रैकेट आता है. और जहाँ पे भी ये वाला साइन आएगा वहां पे कौन सा ब्रैकेट आता है? स्क्वायर ब्रैकेट आता है. समझ में आएगा तुमको? दिस इज द बेसिक फंडा टू राइट आउट ओपन एंड क्लोज इंटरवल. तो हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन एंड क्लोज इंटरवल? अगर इक्वालिटी साइन आता है तो स्क्वायर ब्रैकेट आता है, और अगर इक्वालिटी साइन नहीं आता है तो राउंड ब्रैकेट आता है. क्लियर एवरीवन? तो एग्जांपल समझे यहाँ से सबको आपके? हैज एवरीवन अंडरस्टूड द एग्जांपल? तो मैं इसको लिमिट ऐसे लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे? देखो इसी के आगे मैं लिमिट्स लिख के दिखाता हूँ तुमको. कैन आई राइट लिमिट्स इन दिस वे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20, 30? यस और नो? इसकी लिमिट ऐसे लिख सकता हूँ मैं 20, 30? यस, फर्स्ट वाले की लिमिट और लास्ट वाले की लिमिट में क्या लिख सकता हूँ मैं? स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ मैं? 20, 30. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? सबको समझ में आई है? यस सर. पक्का? ओके, अभी मैं आता हूं बचे हुए दो इंटरवल्स पे. थर्ड इंटरवल होता है सेमी लेफ्ट ओपन, सेमी लेफ्ट ओपन इंटरवल. ओके, मीनिंग समझ में आ जाएगा, डोंट वरी एट ऑल. सेमी लेफ्ट ओपन, सेमी लेफ्ट ओपन, सेमी लेफ्ट ओपन आप बोल सकते हैं या उसको सेमी राइट ओपन बोल सकते हैं. बुक में आपको सेमी लेफ्ट नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे बेस्ट उसको दूसरा नाम बताता हूं मैं तुमको. या जान दो, सेमी लेफ्ट ओपन ही लिखेंगे उसको, या सेमी क्लोज्ड इंटरवल. सेमी क्लोज्ड इंटरवल, उसके अंदर दो टाइप्स. सेमी क्लोज्ड का मतलब होता है एक जगह इक्वालिटी साइन रहेगा, एक जगह इक्वालिटी साइन नहीं रहेगा. ठीक है, उसमें दो टाइप्स कौन से बताता हूं. सेमी लेफ्ट ओपन और सेमी राइट ओपन. इसको कैसे लिखते हैं? सेम वही डेफिनेशन है. अगर ए और बी ओपन कहां पे है? ओपन कहां पे? लेफ्ट साइड पे. तो उसको ऐसे लिखते हैं. देखो, ओपन मतलब ऐसा लिखा जाता है और राइट ओपन मतलब वही आएगा, सिर्फ राइट साइड पे इक्वालिटी साइन नहीं आएगा. दीज आर द डेफिनेशंस. क्लियर? सेमी लेफ्ट ओपन एंड सेमी राइट ओपन, वो डेफिनेशन वैसे ही लिखना है. ए एंड बी आर टू नंबर्स. क्लियर हो गया? तो देखो, ओपन का मतलब होता है ओपन कहाँ पे है? लेफ्ट साइड पे. इसलिए मैंने देखो लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है यहाँ पे? इक्वालिटी साइन नहीं लिखा है.
और यहाँ पे ओपन कहाँ पे, राइट साइड पे, इसलिए मैंने राइट साइड पे इनइक्वालिटी नहीं लिखा है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? कमेंट इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव अंडरस्टूड. इफ नॉट आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन. क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस और नो? तो देयरफॉर नो सर. क्या नहीं समझा? क्या नहीं समझा सर? ये थर्ड वाला, थर्ड वाला में क्या? देखो सेमी लेफ्ट ओपन, देखो दो इंटरवल है, ए लेफ्ट साइड पे है और बी कहाँ पे है, राइट साइड पे. यस नो? यस. अभी उन्होंने क्या बोला? लेफ्ट ओपन बोला है. लेफ्ट ओपन मतलब लेफ्ट साइड वाले को ये वाला साइन होता है और ये वाले को, समझ में आया? और सेमी राइट ओपन में देखो ए बी, तो यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं आएगा और इधर इक्वल टू साइन आएगा. अभी क्लियर है? ओके सर. ओके ओके चलो गुड. तो अभी नेक्स्ट की तरफ जाते हैं. अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इंटरवल को कैसे लिखा जाएगा? मैंने आपको बता दिया, देखो ये वाला ब्रैकेट कब देते हैं हम लोग, जब ऐसा वाला इक्वालिटी साइन होता है, बराबर है? और राउंड ब्रैकेट कब देते हैं, जब ऐसा वाला इक्वालिटी साइन होता है. तो कैन यू टेल मी द इंटरवल? इंटरवल कैन बी रिटन एज, इंटरवल को कैसे लिखते हैं हम लोग, इंटरवल को कैसे लिखते हैं हम लोग? लेफ्ट साइड पे राउंड ब्रैकेट आएगा ए कॉमा बी. तो ये इंटरवल देख के पता चलता है कि ए को पकड़ा जाएगा बी को नहीं पकड़ा जाएगा, समझा? और यहाँ पे देयरफॉर इंटरवल को कैसे लिखेंगे, इंटरवल को कैसे लिखेंगे, ए बी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आया? यस और नो? सी क्लोज्ड एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल का मीनिंग क्या होता है, अंडरस्टैंड? सेमी का मतलब होता है, देखो जब क्लोज्ड इंटरवल कर रहे थे ना, क्लोज्ड इंटरवल में जो आपके एंड पॉइंट्स थे, एंड पॉइंट्स मतलब ए एंड बी, वो भी पकड़ा जाता है. लेकिन जब सेमी में है, सेमी क्लोज्ड में क्या होगा, या तो सिर्फ ए पकड़ा जाएगा या तो सिर्फ बी पकड़ा जाएगा. समझ में आया क्या? क्लोज्ड इंटरवल में दोनों ए एंड बी आर इंक्लूडेड इन द इंटरवल, बट इन सेमी क्लोज्ड आइदर ए इज कंसिडर्ड और बी इज कंसिडर्ड. अभी समझा? यस और नो? राज, डिड यू अंडरस्टैंड राइट नाउ? यस सर. ओके, सबको समझ में आया? मैं डेफिनेशन चाहिए तो लिखा देता हूँ, इधर डेफिनेशन, इधर चाहिए तो लिख सकते हो. इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स सैटिस्फाइंग, दोनों में से जो भी सेटिस्फाई करेगा एक्स एंड दोनों में से जिसको भी सेटिस्फाई करेगा उस हिसाब से उसको या तो सेमी ओपन बोला जाएगा या तो उसको सेमी क्लोज्ड बोला जाएगा. समझ में आया? तो किसको सेमी लेफ्ट ओपन बोलते हैं, किसको सेमी राइट ओपन बोले, मैंने नीचे लिखा है आपके लिए. ओके, इंटरवल का मतलब हम लोग इसके ऊपर एग्जाम्पल करने वाले हैं, डोंट वरी, एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझेगा तुमको. इंटरवल का बेसिक मीनिंग क्या होता है, देखो मैंने पीछे के एग्जाम्पल में सबसे शुरुआत ही वहां से की थी. अगर मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ, मेरे को नंबर चुनना है. ओके, अभी फिर से एक बार पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कराता हूँ. अगर मैं बोलता हूँ मेरे को एक नंबर चुनना है, 20 और 30 के बीच में आना चाहिए सिर्फ, तो पहले मैं तुमको क्या बोलता हूँ, ऐसा नंबर ढूंढो जो 20 और 30 के बीच में होना चाहिए. तो 20 और 30 के बीच में का मतलब क्या है, 20 और 30 छोड़ के बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इनमें से कोई भी हो सकता है. ठीक है, ये था तुम्हारा पहला केस. अब सेकंड केस क्या बोला है, अ नंबर ग्रेटर देन, ऐसा नंबर जो 20 या 20 से ज्यादा होगा लेकिन 30 से कम होगा. तो मेरे नंबर की शुरुआत कहां से होगी, अभी उन्होंने बोला है ना 20 या 20 से ज्यादा, तो 20 पकड़ूंगा, 21, 22, अप टू कहां तक जाऊंगा मैं, 29 तक जाऊंगा. यस और नो? थर्ड वाले में बोलेंगे अ नंबर ग्रेटर देन 20, नंबर 20 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 30 या 30 से छोटा होना चाहिए. तो 20 से बड़ा में 20 आएगा क्या? नहीं आएगा. कौन सा आएगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, अप टू कहां तक आएगा वो,
30 तक आएगा. समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस एग्जाम्पल? अभी समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ सर. ये लिखा जाता है ये सेट्स को, वेर इज दिस यूज इंटरवल, ये इसका आगे रिलेशंस में यूज होता है, फंक्शंस में यूज होता है. मैथ्स का जो कैलकुलस पार्ट है उसमें इंटरवल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है. ठीक है, मैथ्स में जो कैलकुलस पार्ट होता है ना, डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन, वहां पे इंटरवल्स का बहुत यूज होता है. ओके, अभी समझ में आया क्या? एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं. देखो यहाँ पे, अभी जो पीछे एग्जाम्पल लूंगा ना, इधर सबका दिमाग खुल जाएगा. ध्यान दो इधर. अभी अब देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, फर्स्ट एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप लोग खुद भी आंसर दे पाओगे. फर्स्ट अगर मैं बोलता हूं ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट, ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट, हाँ क्या बोला है, ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 5 लेस देन 10. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 5 से ज्यादा 10 से छोटा. कैन आई राइट इट 6 7 8 9? समझा या नहीं समझा? हाँ, तो देखो डेफिनेशन, देखो एक चीज याद रखो, जब भी डेफिनेशन बताते हैं ना तो थोड़ा बहुत डेफिनेशन सीखने में तकलीफ होती है, लेकिन जब हम उसके एग्जांपल्स पे आते हैं तो सारी चीजें अपने आप क्लियर होती जाती है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब दूसरा एग्जांपल आपके लिए, अगर मैं बोलता हूं ए इज अ सेट ऑफ वाई सच दैट वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 लेस देन और इक्वल टू 12, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ y के वैल्यूज ही आ सकते हैं क्या? क्या बोला है देखो, 5 या 5 से ज्यादा लेकिन 12 से छोटा. कैन आई राइट इट 5 6 7 8 9 10 11 12 आएगा या नहीं आएगा? जस्ट टेल मी, हैव आई रिटन इट राइट और रॉन्ग? यस, कुछ बच्चों ने आंसर मेरे को दे दिया. 12 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वेरी गुड, मतलब समझ गया अभी तुमको ये. ओके, 12 नहीं आना चाहिए. क्लियर? एक और एग्जाम्पल देता हूँ, यू कैन राइट द आंसर फॉर दैट. ओके, B is a set of X such that yes, who can tell me the answer for this? 3 4 5 6 7 8 9. तो 3 और 9 भी आएगा कि नहीं आएगा? Yes. आप समझा अभी तुमको? Yes. 3 4 5 6 7 8 और 9. Yes or no? Yes. Clear? अब दूसरा चौथा एग्जाम्पल. अच्छा, इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं क्या? इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हो आप? सोल्यूशन सेट मतलब कैसे? देखो, कैन वी राइट सोल्यूशन सेट ऐसे? ए को ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग? ये सुनो, लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं सोल्यूशन सेट. यस और नो सर? 5 10 या 6 10? 5 10, क्योंकि देखो ना ब्रैकेट कौन सा लगाया मैंने, मैं आपको बता ना, ये जब आता है ना तो राउंड ब्रैकेट आता है, और जब ये वाला आता है तो स्क्वायर ब्रैकेट आता है. समझा सर? 5 to 10 ऐसा नहीं होता, 5 और 10 ऐसा होगा ना उधर? कहाँ पे? यहाँ पे फर्स्ट वाले में. मैंने देखो ना ब्रैकेट कौन से दिए, स्क्वायर दिया है कि राउंड ब्रैकेट दिया? राउंड ब्रैकेट. तो मतलब उसका मीनिंग 5 to 10 ऐसा होगा? 5 और 10 छोड़ के. समझा? ओके. हाँ, अच्छा, तो सेकंड वाले का सोल्यूशन सेट बताओ मेरे को. सेकंड वाले में क्या आएगा? 5 के बाजू में कौन सा आएगा? यस और नो? 12. ये क्या है उसका सोल्यूशन सेट? अच्छा, बी वाले का बताओ मेरे को, बी का सोल्यूशन सेट क्या आएगा? बी इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट 39. क्यों राउंड ब्रैकेट? ओके, स्क्वायर ब्रैकेट. हाँ, तो वो ब्रैकेट बताता है अपने को. अगर स्क्वायर ब्रैकेट है ना तो समझ जाने का कि 3 भी इंक्लूड किया जाएगा, 9 भी किया जाएगा. समझ में आया? राउंड ब्रैकेट अपने को बताता है कि जिस साइड राउंड ब्रैकेट होगा वो नंबर इंक्लूड नहीं किया जाएगा. ओके, अब देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल तुम्हारे लिए. दोनों का आंसर बताना है मेरे को, सोल्यूशन सेट का भी बताना है तो सेट का भी बताना. कि नहीं आप वाई, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. बी इज अ सेट ऑफ वाई सच दैट
Can you tell me the answer for this? Can you tell me the answer for this? Yes, sir. Round bracket 2. नहीं पहले ये बताओ ना. Comma 9. अभी मेरे को बताओ 2 गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा? नहीं सर. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. और इसका सॉल्यूशन सेट कैसा आएगा? Round bracket में 3 और square bracket में 9. Is it clear to everyone now? Yes. सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. पक्का? सर राउंड ब्रैकेट में कैसे आएगा? कहां पे राउंड ब्रैकेट में कौन ब्रैकेट आएगा ना सर? एक मिनट एक एक जन बोलो. देखो ऐसा डिस्कशन क्रिएट होता है बहुत. मुझे नंबर कहां पे बोल रहे हो आप? राउंड ब्रैकेट फोर्थ वाले 2 आना चाहिए सर. फोर्थ वाले में राउंड ब्रैकेट पे 2. हां सॉरी मैंने 3 लिख दिया. 2 आएगा. एक्सट्रीमली सॉरी 2 आएगा. हां बराबर ये बन गया है. अब ठीक है? आप ठीक है सबका? यस सर. अभी दूसरा एग्जांपल ऑनलाइन चले गए सर. को तो शो करें. कैन यू टेल मी द सॉल्यूशन सेट? नगर यस. कैन यू टेल मी द आंसर फॉर दिस? सेकंड ऑफ बोर्ड आंसर यस सर. टैब पर्सन टैब प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ मेरे को बताओ नंबर की शुरुआत कहाँ से होगी? 10 पकड़ा जाएगा क्या? 11. हाँ वेरी गुड. 11, 12, 13 कहाँ तक जाएगा? 19. वेरी गुड. सॉल्यूशन सेट राउंड ब्रैकेट 10, 20. वेरी गुड. समझ में आया सबको? यस सर. अभी समझा क्या? हाँ तो डरने का नहीं. फर्स्ट इसमें अगर नहीं समझा ना तो वेट करने का. एग्जांपल से धीरे धीरे करके सब समझता है. क्लियर हो गया सबको ये? यस सर. अभी क्या होता है अभी मैं इसका आगे का पार्ट सिखाता हूँ. उल्टा करेंगे. क्या करना है इसको? उल्टा मतलब होता है राइट द फॉलोइंग सॉल्यूशन सेट. इन सेट बिल्डर फॉर्म. मतलब तुमको भी क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? सॉल्यूशन सेट दिया रहेगा. तुमको सेट फॉर्म में करना है. हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? ये क्वेश्चन क्या था? राइट द फॉलोइंग सेट बिल्डर into solution set. पहले आपको solution form में लिखना था, set builder form में दिया था. अभी इसका उल्टा करना है. solution set दिया है और कौन से form में लाना है अपने को? set builder में लाना है. Yes? Shall we move on to the first question? देखो पहला question लिखता हूँ. एक question कराऊंगा, बाकी तुम खुद ही कर पाओगे. ठीक है? अगर मैं लिखता -3, 0 तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? देखो आंसर कैसे लिखेंगे. ए इज अ सेट ऑफ. सपोज इसको ऐसे लिखता हूँ. I'll write it with a name first. A is equal to क्या लिखेंगे? देखो A is equal to क्या लिखेंगे? हाँ वही roster form, जो भी अलग अलग नाम है उसी में लिखना है. A is a set of क्या लिखेंगे? देखो X such that. अभी देखो कौन सा bracket आया इधर? Which brackets are -3. एक मिनट, brackets कौन से है? Brackets round. हाँ round. मैं क्या लिखूंगा? Bracket. ऐसे लिखूंगा इसको. Yes, sir. और क्या लिखूंगा इधर? -3. Yes, हो गया आंसर आपका. समझा कि नहीं समझा? हाँ सर. Yes, दूसरा sir. हाँ दूसरा एग्जाम्पल. B is a set of 6, 12. ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं. B इज अ सेट ऑफ X सच दैट. अभी देखो कौन से ब्रैकेट है? 5. कौन से ब्रैकेट है? स्क्वायर ब्रैकेट. क्या लिखूंगा इधर? इक्वालिटी वाला लिखूंगा. लेस देन इक्वल टू. तो यहां पे क्या आएगा? 6, 12. हो गया आंसर खत्म. क्लियर टू एवरीवन? यस सर. आपको वो सारी चीजें नहीं लिखनी. इसको बोलते हैं अपना कौन सा फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म. क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है यू हैव टू राइट इन व्हिच फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म. कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं. B इज अ सेट ऑफ 6, 7, 8, 9
10, 11, 12. ये सेट बिल्डर नहीं है, ये कौन सा फॉर्म है तुम्हारा? लिस्ट फॉर्म है. आपको लिस्ट फॉर्म में नहीं बोला, आपको कौन से फॉर्म में बोला है? सेट बिल्डर फॉर्म में. समझा? कुछ बच्चों ने मेरे को आंसर लिस्ट फॉर्म में भेजा, अगर लिस्ट फॉर्म में पूछेंगे तो ही लिस्ट फॉर्म करना है. ओके, थर्ड क्वेश्चन. सी इज अ सेट ऑफ 6, इन्फिनिटी. ओके, इसको कैसे लिखेंगे? देखो, सी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट. अब देखो, राउंड ब्रैकेट है तो क्या आएगा? इक्वालिटी साइन नहीं आएगा, x आएगा, और इधर क्या आएगा? 6, और कौन आएगा इधर? इन्फिनिटी. बस छोटे बच्चों का ये, छोटे बच्चों का टॉपिक, एकदम इजी. क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ आ रहा है? नेक्स्ट, डी इज अ सेट ऑफ माइनस इन्फिनिटी कॉमा 5. डी इज अ सेट ऑफ माइनस इन्फिनिटी कॉमा 5. तो इसको कैसे लिखेंगे? डी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट, अगेन राउंड ब्रैकेट आया तो विदाउट इक्वालिटी साइन, माइनस इन्फिनिटी टू 5. और फिफ्थ वाला आएगा, ई इज अ सेट ऑफ 2, 5. अब यहां पे ध्यान देना, अब इसकी तरफ ध्यान देना, इसको कैसे लिखेंगे एवरीवन? जगह हुए हो, सो गए? ई इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट. क्या करेंगे इसको अभी हम लोग? देखो, एक जगह राउंड ब्रैकेट है, एक जगह स्क्वायर ब्रैकेट है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग? टू यस ग्रेटर देन एक्स, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 5. यस सर, इक्वल टू 5. लास्ट छठा क्वेश्चन देखो इसका. एफ इज अ सेट ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑफ -3, 4. तो कैन यू टेल मी द आंसर? अब देखो, जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट है वहां पे क्या करेंगे हम लोग? Less than equal to 4, or either -3. Equal to clear? Yes or no? Yes sir. Yes sir. समझ में आया? Yes sir. समझ में आया सबको? Yes sir. Anybody facing any doubt? तो please बेशक मेरे को पूछ सकता है, कोई problem नहीं. No sir. Starting में मेरे को पता है ये topic जो होता है ना, there is a क्या बोलते हैं उसको? Yeah. Clear everyone till here? सबको यहाँ तक समझ में आ चुका है क्या? Yes sir. पक्का? Yes, sir. Yes. हाँ, यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन में क्या करना था, क्वेश्चन आंसर को लिखना था किस फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में आंसर को लिखना था? सेट बिल्डर में. सो आई विल डू वन थिंग, आई विल गिव यू फ्यू क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस एज अ होमवर्क. विल यू ऑल डू इट? करोगे कि नहीं करोगे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चलो yes. अभी लिख लो होमवर्क, प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख लो इधर. प्रैक्टिस क्वेश्चन, 5-10 मिनट का काम है. क्वेश्चन फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म. एक क्वेश्चन उसमें okay, this is the first example of that kind. समझ में आया सबको? Yes sir. Okay, एक और क्वेश्चन में मेरी तरफ से तुमको देता हूं. ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड. इफ ए इज इक्वल टू -7, 3, बी इज इक्वल टू 2, 6, C is equal to 4, 9. Find. याद आ रहा है ऐसे कोई क्वेश्चन? देखो अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ. B. Yes, ऐसा कोई क्वेश्चन किए थे? देखो, यूनियन, इंटरसेक्शन. किए थे नहीं किए थे? हाँ सर, किए थे. किए थे ना? वेरी गुड, याद आ जाएंगे आपको, डोंट वरी. हाँ, तो लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दिया, जो सेट दिया है ना, डायरेक्टली नहीं दिया, मैं सिर्फ हिंट देता हूँ यहाँ पे आपको. ओके, आई विल गिव यू हिंट. अब उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है,
ए इज अ सेट ऑफ, क्या बोला है, माइनस सेवन कॉमा थ्री. आपको सेट नहीं दिया, आपको क्या दिया है, आपको क्या दिया है, हु कैन टेल मी व्हाट इज गिवन, इज द सेट गिवन और सॉल्यूशन सेट गिवन, इंटरवल, वो सॉल्यूशन सेट, इंटरवल सॉल्यूशन सेट. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x such that, यहां पे इसको सही तरीके से पहले लिखेंगे फिर आपका सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा. कैसे लिखेंगे इसको अभी यहाँ पे देखो, माइनस सेवन, यहाँ पे कौन आएगा पहले, माइनस सेवन एक्स थ्री. ओके, तो ए के सेट में कौन कौन आएगा मेरे को बताएगा कोई, माइनस सिक्स, माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू. आया समझ में? यस सर. आएगा सबको करने? यस सर. क्लियर? मैंने हिंट दे दी आपको, अभी आपको क्लियर हो जाएगा ये कैसे सॉल्व करना है. इज इट ओके एवरीवन? कैन यू ऑल डू दिस टू क्वेश्चंस? यस सर. ओके, प्लीज कॉपी डाउन, कॉपी डाउन कर लो उसको. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग टुडे. आई एंजॉयड द लेक्चर विथ यू ऑल. थैंक यू. थैंक यू सर.